नमस्कार, मैं हूं रविंद्र। जवाब दो सरकार कार्यक्रम है आप सबका, जहां लाइव इंडिया आपके हक की बात करता है। यहां हम उठाते हैं वो सवाल जो सीधे आपके हितों से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आम जनता की मुश्किलों, परेशानियों और सरकारी नुमाइंदों की गलत कारनामों को उजागर करते हैं। आज भी हम लेकर आए हैं दो मुद्दे। पहला मुद्दा है पंजाब के भटिंडा का, जहां अकाली दल की रैली में भीड़ जुटाने के लिए शराब और पैसे बांटे गए। दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र का, जहां छात्रों का भविष्य सुधारने वाले गुरुजन दो वक्त की रोटी के मोहताज हो गए हैं। 8 सालों की नौकरी में इन्हें सरकार की तरफ से तनख्वाह के लिए तरसना पड़ रहा है। हार कर ये अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की इन दो खबरों की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पंजाब का भटिंडा, जहां पर शराब पिलाई और फिर भीड़ जुटाई। आखिर यह कहां का लोकतंत्र है और यह कहां की राजनीति है? दूसरी तरफ तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पर बिना वेतन सबसून शिक्षक, जिनके हाथों में भविष्य देश का होता है, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, तो समझिए वो किस तरह से अगला भविष्य देश का तैयार करेंगे। शराब पिलाई, भीड़ जुटाई। जी हां, पंजाब में सत्ताधारी पार्टी अकाली दल की डर्टी पॉलिटिक्स देखने को साफ साफ मिल रही है। अकाली दल को बठिंडा की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किराए पर लोगों को लाना पड़ा और यहां तक कि शराब भी उनको पिलानी पड़ी। इससे साफ साफ पता चलता है कि अकाली दल को अपनी गद्दी बचाने की कितनी फिक्र है। राज्य की चिंता नहीं है उसको। पंजाब में अकाली दल को क्यों करनी पड़ी डर्टी पॉलिटिक्स? रैली बुलाने के लिए बहाई गई शराब की नदियां। रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए उड़ाए गए नोट। आखिर पंजाब की सत्ता पर काबिज अकाली दल को इस डर्टी पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या जनता खुश है इसे दिखाने के लिए रैली में भीड़ को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई? और जब भीड़ नहीं आई तो फिर अकाली दल के नेताओं ने सहारा लिया मुफ्त की शराब और पैसों का। लोगों को बुलाया गया, उन्हें शराब बांटी गई, पैसे दिए गए जिससे वो रैली में मौजूद रहे, जिससे देखने वालों को ये लगे कि जनता का यकीन अभी भी अकाली दल की सरकार पर कायम है। लेकिन लाइव इंडिया ने अकाली दल की इस डर्टी पॉलिटिक्स की पोल खोल दी है। जरा देखिए रैली में आया ये शख्स कैसे अकालियों की डर्टी पॉलिटिक्स सबके सामने उजागर कर रहा है। खर्चा पानी दिया है आपको? हाँ, जो खर्चा पानी भी दिया हमको। कितनों कितना पैसा दिया है? 100-100 रुपया दिया हमको। 100-100 रुपए। सुना आपने? इसकी बातों से ये तो समझ में आ गया होगा कि रैली में बुलाने के लिए किस तरह के डर्टी इंतजाम किए गए, लोकतंत्र की आड़ में किस तरह का खेल पंजाब के अकाली दल ने खेला है। एक बार फिर सुनिए रैली में मौजूद ये शख्स क्या कह रहा है। खर्चा पानी दिया है आपको? हाँ, जो खर्चा पानी भी दिया हमको। कितनों कितना पैसा दिया है? 100-100 रुपया दिया हमको। 100-100 रुपए। अकाली दल की डर्टी पॉलिटिक्स का खुलासा हो गया, चारों ओर थूथू मच गई, लेकिन इसका जरा सा भी असर अकाली दल के नेताओं पर नहीं पड़ा। शायद चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। लाइव इंडिया ने इस खुलासे के बाद पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा से जब पूछा तो उनका जवाब बेहद हैरान कर देने वाला था। इक्का दुखी कोई घटना, 900 बस आई है, जे एक अद्धी बस किसी ने कर लिया, मैंने तो पता नहीं। वैसे पंजाब के वित्त मंत्री अगर ये कहें कि कुछ कार्यकर्ताओं ने शराब पी भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि नशे के चंगुल में फंसे पंजाब का अब क्या होगा। यानी साफ है अकाली दल को अपनी गद्दी बचाने की फिक्र है, राज्य की चिंता नहीं है। हालांकि पंजाब में चुनाव आने में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है,
लेकिन तैयारियां अभी से चल रही हैं और इस डर्टी पॉलिटिक्स को पंजाब सरकार के मंत्री विरोधियों की बौखलाहट बता रहे हैं। इक्का दुक्की कोई घटना उत्थे 900 बस आई है, जे एक अद्धी बस किसी ने कर लिया मैनू तो पता नहीं। वैसे रैली में शराब और रुपए बांटने का सबूत तो लाइव इंडिया के पास सिर्फ एक रैली में मिला है। जरा सोचिए कि ऐसी कितनी रैलियों का आयोजन किया गया होगा जिसमें अकाली दल ने पैसे और शराब के दम पर भीड़ जुटाई होगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की रैली में लोगों का ये हुजूम भले ही विरोधियों को दिखाने के लिए ऐतिहासिक हो, लेकिन हकीकत में ये उतना ही खोखला है। लोगों की ये भीड़ सरकार के अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि शराब और रुपए के लिए आई है। आप सारे लीडर का डोप टेस्ट करवाइए, तो तुम्हें तो पता ही होना डिप्टी मुख्यमंत्री साहब कि डोप टेस्ट दे विच साल साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल पुराने नशे का भी खुलासा हो जाता है। सब तो पहला डोप टेस्ट वास्ते ब्लड मैं दूंगा, वो डोप टेस्ट की रिपोर्टा जनतक करो ताकि लोगों को पता लग सके कौन सच्चा है कौन झूठा है। अकाली दल की इस रैली का नाम सद्भावना रैली था, लेकिन ये रैली किराए की रैली में नजर आ गई। अब सरकार को जवाब देना होगा कि जिस राज्य के युवा अफीम हेरोइन और कोकीन जैसे नशे का शिकार हो रहे हैं, वहाँ रैली में शराब बांटना कितना जायज है। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़। तो रैली में शराब पिलाई गई और इसको जायज और सही ठहराने के लिए कहा गया कि अगर थोड़ी शराब पी भी ली तो इसमें बुरा क्या किया, और ठीकरा सारा का सारा विपक्ष पर फोड़ने की यहां कोशिश की गई। आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा में 23 नवंबर को अकाली दल की एक बड़ी रैली हुई थी। ये रैली इतनी बड़ी थी कि अकाली दल के नेता और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस में अगर दम है तो इतनी बड़ी रैली करके दिखाए। लेकिन इस रैली की हकीकत आज हमको आपको दिखाते हैं कि कैसे इस रैली में शराब और नोटों का सहारा लिया गया, आखिर कैसे दिहाड़ी मजदूरों को बसों में भर भर कर रैली में लाया गया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की ये तस्वीरें हैं भटिंडा में हुई रैली की, जिसे अकाली दल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। 23 नवंबर को हुई इस रैली में भीड़ भी जुटी और रैली को ऐतिहासिक और कामयाब भी बताया गया। लेकिन अब आपका चैनल लाइव इंडिया इसी रैली की दूसरी तस्वीर को आपको रूबरू करा रहा है, जिसमें इस रैली में आई भीड़ की असल हकीकत आपके सामने आएंगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये तस्वीरें अकाली दल की रैली की पोल खोल रही हैं। इन लोगों के हाथों में जो कार्टून है उसमें भरी हैं शराब की बोतलें, जिन्हें रैली में आए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। रैली में आए लोगों को खुश करने के लिए शराब से भरी गाड़ियां मंगाई गई थीं और उन्हीं गाड़ियों में से शराब के ये कार्टून निकाले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस रैली में जो लोग शामिल हुए वो क्या वाकई अकाली दल के कार्यकर्ता थे या फिर भाड़ी पर बुलाए गए लोग। कहा तो ये भी जा रहा है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को शराब के साथ ही 100-100 रुपए भी दिए गए थे। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए दिहाड़ी के मजदूरों को बसों से भर भर कर लाया गया था, जिन्हें रैली में आने के लिए 100-100 रुपए की दिहाड़ी दी गई थी। इस रैली में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता और सूबे के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए बठिंडा में इतनी बड़ी रैली करने की चुनौती दी थी। लेकिन इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि अकाली दल की इस बड़ी रैली के पीछे का सच क्या है। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, बठिंडा। तो इस रैली में शराब और रुपए देकर भीड़ जुटाने पर सवाल उठना लाजमी ही है। ऐसे में लाइव इंडिया ये सवाल पूछता है कि आखिर ये किस तरीके से रैली आयोजित की गई। पहला सवाल लाइव इंडिया का ये है, शराब और रुपए के बल पर भीड़ जुटाना लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है। अगला सवाल लाइव इंडिया ये उठाता है कि क्या पंजाब में नशे को बढ़ावा दे रहा है अकाली दल, क्योंकि ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए शराब बांटी जा रही है। तीसरा सवाल यह उठता है लाइव इंडिया की तरफ से, क्या पंजाब में जनाधार खो रही है अकाली दल। अगला सवाल यह उठता है, पैसे के बल पर भीड़ जुटाना क्या सही है।
क्या बीजेपी इस मुद्दे पर अकाली दल से समर्थन वापस लेगी? सुखबीर बादल की रैली में बुलाई गई भाड़े की भीड़ को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर खैरा से बात की हमारे संवाददाता गौरव वालिया ने। बठिंडा में 23 नवंबर को अकाली दल ने जो रैली की उसको ऐतिहासिक बताया और वहां पे मौजूद बड़ी तादाद में जो लोग थे उनको अकाली दल के वर्कर बताया, पर अब उसकी पोल कहीं ना खुलती हुई नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं सुखपाल खैरा। खैरा साहब, जिस तरह से लाइव इंडिया ने खुद पोल उनकी खोली है अकाली दल की और आपने खुद देखा है जिस तरह से किराए पे लोग लेके आए हुए हैं और शराबी दी जा रही है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बहुत शर्मनाक बात है जी। और अकाली दल जो हमेशा धर्म का सहारा लेकर के बात करती है, एक धार्मिक लोग लोगों को शराब पिलाएं, पैसे दें और फिर इकट्ठ करें, और वैसे भी इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पटवारी से लेकर के डीसी और कोई काम नहीं किया उन्होंने 10-15 दिन। यही काम किया कि लोगों को, गरीब लोगों को वहां पर गांव में लाउड स्पीकर्स के ऊपर बोला गया कि जिन लोगों के मनरेगा के पेमेंट्स ड्यू हैं गरीबों के, वो आए हमारी रैली में, हम उनको मनरेगा की पेमेंट्स देंगे। सुखपाल जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। लाइव इंडिया ने एक बड़ा एक्सपोजर किया है जिस तरह से बालड़ी रक्षक योजना पंजाब सरकार ने शुरू की थी 2005 में। 5 के तहत बच्चियों को, उनके परिवारों को मोटिवेट करने के लिए ये हर 1000 रुपए हर महीने देते थे, बच्चियों के अकाउंट में जाते थे। पर सन 2013 से लेकर 15 तक 2 साल से बच्चियों को 1 रुपया नहीं मिला और कई ऐसे केसेस आए हैं गरीब परिवारों की जो बच्चियां हैं, कईयों की माओं ने आत्महत्या कर ली गरीबी से तंग आके, पर सरकार को इसके लिए कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है। क्या वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, जो बालड़ी स्कीम जो गरीब बच्चियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, इनफैक्ट टू इंक्रीज द फिटिसाइड रेशियो, इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि लड़कियां लोग जो लड़कियों को सम्मान दें, उनके अकाउंट्स में पैसे जो जा रहे थे 2013 से बंद करके, ये तो बहुत बड़ी एक किस्म की बदलाखोरी है गरीबों के साथ। इसको हम कंडेम करते हैं बहुत स्ट्रांगली, एंड वी वुड अर्ज कि जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं इनकी, वो तुरंत उनको बहाल की जाए। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद देखेंगे महाराष्ट्र के मजबूर शिक्षकों की हालत, जिन्हें 8 सालों से तनख्वाह नहीं मिली।